हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजीएस किचन। फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि, इस चैनल की होस्ट, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजराती रेसिपी। जी हाँ, ये है हांडवो की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये एक तरीके का सेवरी केक है और इसमें सारे न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं, फुल ऑफ प्रोटीन। ये ब्रेकफास्ट या लंच में आप किसी भी टाइम पर खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले डालते हैं एक नज़र इंग्रेडिएंट लिस्ट पर। फ्रेंड्स, हांडवो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक कटोरी चने की दाल, एक कटोरी तूर की दाल और आधी कटोरी सफ़ेद उड़द की दाल, अदरक मिर्ची का पेस्ट और ये एक कप सूजी। वेजिटेबल्स में मैं ले रही हूँ यहाँ पर ग्रेटेड कैरेट और ग्रेटेड दूधी, और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़े से धनिया के पत्ते काट के, और करी लीफ यहाँ पर मैंने सुखा कर रख लिया। आप फ्रेश करी लीफ अगर लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने ओवरनाइट सोक की थी तो यहाँ पर एक एक करके मैंने सारी दालें पीस ली हैं और ग्राइंड करके इसका एक हमने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट हमें ध्यान रखना है, पेस्ट में हमें मोटा नहीं चाहिए, पेस्ट हमें अच्छे से इसको स्मूथ करके लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए तीनों दालों का पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब मैंने इसमें डाल दी है घिसी हुई गाजर और घिसी हुई दूधी। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट अगर कोई और वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है चॉप की हुई कोरिएंडर लीव्स, जिंजर मैंने यहाँ पर जिंजर और चिली का पेस्ट लिया है। अगर आप गार्लिक खाना चाहते हैं, गार्लिक लेना चाहते हैं तो आप गार्लिक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक कटोरी दही। दही से हांडवो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल एक क्रीमी सा लगेगा ये खाने में। तो यहाँ पर मैंने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है और पाउडर स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर, हींग, और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर सॉल्ट। तो सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नींबू का रस। यहाँ पर मैंने एक नींबू का रस लिया है और एक कटोरी सूजी डाल रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाने के बाद में अब मैं यहाँ पर एक कप पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही की जो कटोरी थी उसी में पानी लिया है, और पानी डाल के इसका एक अच्छा सा जो मिक्सचर है वो तैयार कर लेंगे। हमें इसको बिल्कुल एक केक के बैटर के जैसा रखना है, बहुत पतला नहीं करना है। और अब मैंने यहाँ पर डाला है गुड़ का सिरप। गुड़ का सिरप की जगह पे आप यहाँ पे थोड़ी सी शुगर डाल सकते हैं, और अगर आप दोनों चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर थोड़ी सी हनी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल, और हमने इस मिक्सचर को अच्छे से तैयार कर लिया है। और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख दूँगी जिससे जो सूजी है वो काफ़ी अच्छे से फूल जाए। मैंने बैटर को बनाकर रख दिया था, तो बैटर को हम हमारे आधा घंटा हो चुका है रखे हुए। तो अब मैंने सबसे पहले इसे डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने दो पार्ट में इसे डिवाइड किया है क्योंकि हमें यहाँ पर इनो डालना है, तो इनो हम सारे में एक साथ नहीं डालेंगे। तो जितना मुझे बनाना है उतना मैंने अलग निकाल लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून इनो, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है जिससे ये एक्टिवेट हो जाएगा, और इसे हमें तुरंत अच्छे से चलाना है। और चलाने के बाद में ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम अपना तड़का तैयार करते हैं। तो तड़के के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें ऑयल डाल दिया था, और मैंने यहाँ पर डाल दिया तो जो हमने राई डाली थी, राई अच्छे से चटकने लगी है। तो मैंने यहाँ पर करी लीव्स डाल दी हैं और मैंने कुछ हरी मिर्च डाली है। तो यहाँ पर हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल तैयार है। तो बैटर बना के जो लिया था अब हम वो यहाँ पर पोर कर देंगे। बैटर को पोर करने के बाद में हम थोड़ा सा इसे सेट कर देंगे, और उसके बाद में हम इसे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे एक साइड में पका लेंगे। 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर हांडवो को पलट दिया है। इसे पलटने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्लेट के सहारे से इसको पलटा है। और पलटने के बाद में हम इसे दोबारा से एक बार फिर से ढक कर पका लेंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा था मैंने इसे भी यहाँ पर पलट के ले लिया। ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा था वो भी पक गया है, और जो नीचे से पका था, दोनों साइड से हमारा ये हांडवो पक कर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हमने इसे प्लेट पर निकाल लिया है। चलिए अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। तो इसे हमें पलटने के लिए ना कुछ इस तरीके से टर्न करना पड़ेगा, नहीं तो ये टूटता बहुत जल्दी है, टूट जाता है। तो सर्विंग कर लेते हैं हम इसकी। एक हांडवो हमारा बनकर तैयार है, और मैंने यहाँ पर दूसरा हांडवो जो था वो मैंने डाल दिया है पैन में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने हांडवो को थोड़े से हरे धनिया से इस तरीके से कुछ डेकोरेट कर दिया है, और आप इस तरीके से यूँ इसे कट करके
और सर्व कर सकते हैं। तो सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है ये हमारा हांडवो। फ्रेंड्स, हांडवो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका जो खट्टा मीठा और तीखा सा टेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी अपने घर पर एक बार इसे ज़रूर बनाएं। ये हेल्दी सी रेसिपी अगर आपको आज पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।